एसपीसीडी कृष्ण कुमार विश्नोई ने सीआईआर मोबाइल डिवाइस का लोकार्पण किया, जिसके संबंध में एसपीसीडी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि सीआईआर डिवाइस के माध्यम से जहां एक ओर आपका डाटा सुरक्षित होगा, वहीं अब मोबाइल चोरी का काम चोरों के लिए आसान नहीं होगा। यदि मोबाइल चोरी भी हो जाता है तो वह तत्काल पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। जहाँ एक ऐसा डिवाइस सरकार की तरफ से तैयार किया गया है, उसके माध्यम से किसी भी चोर को पकड़ना आसान हो सकेगा। इस डिवाइस का नाम है सीआईआर डिवाइस। उन्होंने बताया कि सीआईआर पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो सरकार के महत्वपूर्ण मुहिम है। इस डिवाइस के माध्यम से सभी मोबाइल फोनों का आईएमआई नंबर एक जगह रजिस्टर्ड किया जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति का मोबाइल चोरी होगा तो इस डिवाइस के माध्यम से उसकी लोकेशन और जिस व्यक्ति के पास है उसका एड्रेस पता चल जाएगा, जिसकी वजह से चोरों को पकड़ पाना आसान होगा। इस डिवाइस के माध्यम से अन्य कई प्रकार के अपराधों पर भी अंकुश लग सकेगा। सीआईआर पोर्टल के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने वाले मोबाइल ही आगे से चल पाएंगे, इसलिए इस फोटो पर रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी होगा, अन्यथा बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे मोबाइल को अवैध माना जाएगा। इस सीआईआर पोर्टल की वजह से चोरी करने वाले लोगों पर भी बेहद आक्रोश लगेगा, क्योंकि सबका डाटा फीड होगा। सरकार की इस मुहिम से जुड़ना सबके लिए बेहद जरूरी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपीसीडी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में आज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सीआईआर पोर्टल के बारे में सभी मीडिया बंधुओं को जानकारी दी गई। सीआईआर पोर्टल एक इम्पोर्टेंट सरकार की मुहिम है, जिसके माध्यम से जितने भी आईएमईआई नंबर्स हैं उनको सबको एक जगह रजिस्टर किया गया है। रजिस्टर करने के बाद में कोई भी व्यक्ति जिसका अगर मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो वह ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करा सकता है। उसके बाद में पुलिस को उसका इंटीमेशन होगा और जितना समय पहले किसी मोबाइल को या फिर मोबाइल खोने के बाद में व्यक्ति को डर रहता था कि उसका कोई मिसयूज़ कर सकता है, वो मिसयूज़ ना होकर वो मोबाइल डिवाइस वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके साथ साथ उसको पुलिस को तुरंत रिकवरी भी हो पाएगी और उसका मिसयूज़ भी किसी आतंकवादी की गतिविधियां या अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियों में उस मोबाइल का किसी प्रकार का प्रयोग नहीं हो पाएगा। और पुलिस को एक एज ए ब्लॉक लिस्ट के नाते जितने भी फ़ोन ब्लॉक्ड हैं उसके बारे में डिटेल मिलती रहेगी और उसको समय रहते उसको पकड़ने में कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि एक सेंट्रल डेटाबेस बनने के बाद में जो ICDR है, इंडियन काउंटरफिटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन, जो स्कीम सरकार की मुहिम थी कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही फ़ोन चले जो सरकार के पास यहाँ आयात होने के बाद में रजिस्टर किए गए हैं, तो इस मुहिम के बाद में जितने भी फ़ोन जिनका IMEI सरकार के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है वो सब भी ब्लॉक हो जाएंगे और तमाम अवैध गतिविधियों में लिप्त जितने भी फ़ोन हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो फिर उनको नहीं चलने देंगे। और स्टोलन डिवाइस रिपोर्टिंग सिस्टम है जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही सुलभ सिस्टम है। एक ही पेज के अंदर आप अपना मोबाइल जहाँ भी खोया है वो पूरा पोर्टल है, उसके ऊपर पूरी जानकारी इस पोर्टल के बारे में आज बताया गया है। और इसमें अनब्लॉक करने की भी सुविधा है, जब आपको फ़ोन मिल जाता है तो आप अपना कारण बता के उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम है, इसके माध्यम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ साथ मोबाइल चोरी करने वालों के लिए भी एक डिसइंसेंटिव है कि मोबाइल चोरी करने के बाद वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इससे मोबाइल चोरी की घटनाओं में भी काफ़ी कमी आएगी। इसमें देश में CIR पोर्टल के लॉन्च होने के बाद में वही मोबाइल फ़ोन चल पाएंगे जो मोबाइल फ़ोन यहाँ पे देश के अंदर IMEI के रूप में रजिस्टर्ड है। जो IMEI रजिस्टर्ड नहीं है वो ICDR के बाद में होने के बाद में इस पोर्टल पे नहीं चल पाएंगे। उससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा भी जो पहले कोई भी मोबाइल यूज़ कर लेता था बाहर से स्मगल करके वो भी यूज़ नहीं हो पाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। थैंक यू।